सब्सक्राइब करें डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं और डिफेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाएं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 46,000 के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कौन से वेपन सिस्टम हम खरीदने जा रहे हैं 46,000 के रक्षा सौदों में और ये कब से लंबित थे, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। इस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं और इन हेलीकॉप्टर की कीमत करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए आएगी और इनको हम खरीदेंगे दूसरे देशों से और हमारी कंपनियां उसके जो इंडियन कंपनी है उसके संग टाइप करेंगी और हो सकता है ये हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाए जाएं। ये जो हेलीकॉप्टर है इनकी 21,000 करोड़ लागत आएगी जब हम इनको खरीदेंगे, तो ये हो सकता है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इनको मंजूरी दी गई है जिसमें विदेशी कंपनी के संग इंडियन कंपनी टाइप करेगी और इनको शायद इंडिया में ही बनाया जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर, इनको खरीदा जाना है 13,000 करोड़ रुपए की लागत पे और इनको हम खरीदेंगे अमेरिका की लॉकेट मार्टिन कंपनी से और इन हेलीकॉप्टर का नाम MS-60 रोमियो है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत ही माहिर हैं पनडुब्बी रोधी अभियानों में, इनको खरीदा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिलहाल की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो हेलीकॉप्टर है हमारे इंडिया के सीकिंग वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इनको खरीदना हमारी नौसेना को ताकत देने के बराबर है क्योंकि चाइना की चुनौती को देखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इनको मंजूरी दी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं DRDO द्वारा डेवलप्ड और डिजाइन की गई बोफोर्स तोपें, उनको देसी तौर पे ही खरीदा जाएगा मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट पे और इनको खरीदा जाना है 3,000 करोड़ की लागत पे और इसको खरीदने का मकसद ये है कि हमारे देश की सेना के पास फिलहाल आर्टिलरी गन की बहुत ज़्यादा कमी है और इनकी जो क्वांटिटी होगी वो करीब करीब 150 नंबर में ये जो आर्टिलरी गन खरीदी जानी है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। चौथे नंबर इस लिस्ट में है 14 वर्टिकली शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे, इन मिसाइल सिस्टम को हमारे जो फ्राइगेट्स हैं जो शिप्स हैं नेवी के उन पर लगाया जाएगा ताकि हम दुश्मन जो देश के शिप हैं उनसे अपना बचाव कर सकें और उनको निस्तनाबूद भी कर सकें। इसको खरीदा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बराक जो फर्स्ट सिस्टम है वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और उसको रिप्लेस करने के लिए ये 14 वर्टिकली मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा जाना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें से 10 को इंडिजीनियसली डेवलप किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप डिफेंस रिलेटेड वीडियो देखते रहें और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।